So, well, students, let's start with, let's continue with the discussion of water as a resource. तो पिछले सेशन में हम लोगों ने जो है वाटर एज ए रिसोर्स हम लोगों ने जाना था कि वाटर एज ए रिसोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वाटर साइकिल इन द लास्ट क्लास. अब आज के सेशन में हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे ग्लोबल लेवल पर और फिर जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. Water resources are unevenly distributed on the earth. तो यानी कि water resources का जो distribution है, water का जो distribution है earth पर, वो जो है uneven है, यानी कि एक जैसा नहीं है. Okay? अब ये जो uneven distribution है, इसके लिए कई factors responsible हैं. अब आप लोगों को पहले से पता है कि surface water जो है किसी भी जगह का, it depends upon the gains from precipitation. And losses through evaporation, transpiration, etc. Okay? कि किसी भी जगह पर सरफेस वाटर कितना है वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना पानी प्रेसिपिटेशन के थ्रू आया है यानी कि बारिश बारिश के थ्रू या स्नोफॉल के थ्रू आया है और कितना पानी जो है वो इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है गायब हुआ है. इवेपोरेशन हुआ जहां पर पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है और ट्रांसपायरेशन जो है एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जब पौधे की पत्तियों से जब पानी भाप बन के उड़ता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन. तो यानी कि प्लस में क्या हो गया रेनफॉल और माइनस में क्या हो गया इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन. तो अगर लॉस जो है नेगेटिव अगर ज्यादा होगा तो वैसे केस में जो है उस जगह पर शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ वाटर. और जहां पर प्लस यानी कि जो है गेन ज्यादा होगा और लॉस कम होगा तो वहां पर वाटर का सरप्लस हो जाएगा. नाउ जनरल पैटर्न क्या है तो एनुअल प्रेसिपिटेशन इज हाईएस्ट नियर द इक्वेटर. एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि साल भर में जो ऊपर से पानी गिरने का जो रेशियो है ना चाहे रेन स्नो ओला किसी भी फॉर्म में गिरे वो तो जनरली जो है प्रेसिपिटेशन जो है सबसे ज्यादा कहां होता है इक्वेटर के पास होता है. नाउ बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ द ग्लोब यू ऑलरेडी नो राइट दिस इज द इक्वेटर राइट हियर राइट. तो ये जो इक्वेटर के पास का जो ये जगह आप देख रहे हैं है ना तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है और साथ ही जो है यहां पर इवेपोरेशन जो है वो भी काफी हाई है. ओके, इवेपोरेशन इज ऑल्सो हाई इन दिस रीजन. इस रीजन में जो है पानी का भाप बन के उड़ने का सिलसिला या फिर पौधों से जो है भाप बन के ट्रांसपायरेशन के थ्रू उड़ने का सिलसिला ये जो है यहां पर काफी हाई है. हाउएवर इवेपोरेशन इज द हाईएस्ट इन द सब ट्रॉपिकल रीजन्स लाइंग बिटवीन द 20 डिग्री एंड 35 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर. ओके, यानी कि आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि 20 डिग्री लैटिट्यूड दिस इज लाइक अराउंड दिस पॉइंट विल बी योर 20 डिग्री लैटिट्यूड. तो 20 डिग्री लैटिट्यूड से लेके और 35 डिग्री जो लैटिट्यूड है आपका यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये वाला जो रेंज देख रहे हैं तो ये रेंज इधर और ऐसे ही जो है ये रेंज इधर. ओके, तो ये जो है आपका सब ट्रॉपिकल रेंज में ये जो रेंज है पर्टिकुलरली 20 से लेके और 35 तक का इस रेंज में जो है काफी सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होता है. तो मेनी डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड लाइक द थार द सहारा द अरेबियन डेजर्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो ये सारे डेजर्ट्स जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इधर मौजूद है आपके. This is northern hemisphere, आप सबको पता है and this is southern hemisphere. तो चाहे थार हो सहारा हो या अरेबियन डेजर्ट हो ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. दूसरी तरफ जो है अटकामा द कालाहारी द नामीब एंड द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स ये सब जो है southern hemisphere में है और ये दोनों जो ये जो जितने भी डेजर्ट्स की हम बात कर रहे हैं सब मोटा मोटी इसी जोन में है जहां पर की precipitation जो है वो लो है. Where evaporation is high
एंड प्रेसिपिटेशन इज लो। जितने भी डिजर्ट्स आपके हैं वो उस पर्टिकुलर जोन में पड़ते हैं जहां पर कि पानी भाप बन के बहुत ज्यादा उड़ती है और कंपैरेटिवली बहुत कम पानी जो है वो बारिश या फिर हेल के फॉर्म में जो है नीचे गिरती है। तो सिंपल सी बात है, अगर जितना आएगा उससे अधिक अगर नुकसान होगा तो वाटर जो है वो तो बहुत कम मौजूद होगा वहां पर, तो इसलिए डिजर्ट फॉर्म करेगा। नाउ द रीजंस बिटवीन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड्स यूजुअली हैव सरप्लस वाटर। तो ये 45 डिग्री से लेके और ये 60 डिग्री का जो रेंज है आपका मोटा मोटी टेम्परेट जोन का एरिया कहला गया आपका। ये जो टेम्परेट जोन है इस जोन में दोनों तरफ इधर भी होगा और ये इधर भी आपका जो है ये टेम्परेट जोन होगा 45 से सी में मार्कर, ये जो पूरा जोन देख रहे हैं दोनों तरफ। तो ये 45 से 60 डिग्री जो लैटिट्यूड का जो पूरा जोन है इसमें जो है सरप्लस वाटर है, मतलब कि यहां पर जो है प्रेसिपिटेशन जो है वो ज्यादा होगा और इवेपोरेशन जो है वो कम होगा। अब सबसे जो है ऊपर के लैटिट्यूड्स पर आ जाते हैं, पोलर रीजन की बात कर लेते हैं। तो इस पोलर रीजन में दोनों तरफ क्या होगा, तो इस पोलर रीजन में जो है इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन दोनों काफी कम होगा इस एरिया में, यानी कि इधर जो है पानी भाप बन के उड़ने का भी सिलसिला काफी कम होगा और बारिश या आइस या स्नो के फॉर्म में जो है पानी के गिरने का सिलसिला भी जो है वो काफी कम होगा। यानी कि सबसे अधिक इनकम और ज्यादा लॉस ये आपका हुआ इक्वेटर के लेवल में। फिर जो है इधर सब ट्रॉपिकल लेवल में हम देखते हैं कि ज्यादा लॉस होता है, कम जो है पानी की आमदनी होती है प्रेसिपिटेशन के थ्रू। इधर ये टेम्परेट वाला जो हिस्सा है इधर हम देख लेते हैं कि इनकम ज्यादा है, पानी आता ज्यादा है और जाता कम है। और फिर जो है हायर लैटिट्यूड्स यानी कि मोटा मोटी पोलर रीजन वगैरह सब में हम देखते हैं कि पानी जाता भी कम है और पानी आता भी कम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया। ग्लोबल लेवल का हमने देख लिया और उसके पीछे का रीजन भी हमने देख लिया, अब थोड़ा सा इंडिया की चर्चा कर ले तो हमारा काम मोटा मोटी खत्म हो जाएगा, है ना। Now see, like India is rich in water resources, but it is not evenly distributed. जैसे अर्थ पर था हिसाब किताब, वही हिसाब किताब इंडिया में भी है कि हमारे पास ढेर सारे वाटर रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये बराबरी से जो है सब तरफ बटा हुआ नहीं है। रिवर्स एंड रेन आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, नदी और बारिश ये जो है पानी के प्रमुख स्रोत हैं। द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयस ड्रेन द नॉर्दर्न रीजन and provide sufficient water for the needs of the people. Okay, तो जो हिमालय से बेसिकली जो है निकलने वाली जो नदियां हैं वो जो है नॉर्दर्न रीजन के पूरे पानी को कलेक्ट करती है और साथ ही साथ जो है लोगों की जरूरतों को भी, लोगों के पानी की जरूरतों को पूरा भी करती है। The rivers in the peninsular plateau also provide a satisfactory amount of water through many of them dry up during the dry season. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आई विल शो यू, ये जो बीच का एरिया आप देख रहे हैं है ना, इधर ही जो है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू मौजूद है। तो इस पेनिनसुलर प्लेट्यू से जो नदियां निकलती हैं उनका भी यही काम है, वो भी जो है लोगों के वाटर के नीड को ही पूरा करती है ना। सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट ऑफ वाटर वो लेके जाती है, लेकिन उनमें से कई जो है वो सूखे के सीजन में जो है ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। Now, for 4 months in a year, India gets a good amount of rainfall, but the monsoons are highly unpredictable. साल में 4 महीने जो है इंडिया में खूब बारिश होती है, लेकिन मॉनसून की वजह से ये बारिश होती है एक्चुअली, और मॉनसून जो है ये काफी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी कि आप जो है इनका एग्जैक्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कब होगा, कितना होगा, कैसे होगा। ओके, इट इज नॉट ईजी टू से विच रीजन विल गो ड्राई इन ए पर्टिकुलर ईयर, और इसलिए यह कहना आसान नहीं होता कि कौन सा रीजन जो है वो किस साल कहां पर सूखा पड़ेगा। सो ड्यू टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स मेनी इंडियंस डू नॉट हैव एक्सेस टू सफिशियंट वाटर। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से कई इंडियंस जो है उनके पास सफिशियंट वाटर एक्सेस नहीं होता है। Now let's talk about canals and river valley projects, जिसके थ्रू की जो है इंडिया के हर एक हिस्से में पानी पहुंचाने की कोशिश की गई है। Now there are two kinds of canals, inundation canals and perennial canals. Okay, तो आप जानते हैं कि inundation canals क्या होते हैं। The inundation canals fill up when the river is flooded. Inundation canal जो होता है उसमें पानी तभी आएगा जब नदी में बाढ़ आएगी,
वेयर एज द पेरेनियल कैनल्स फ्लो फ्रॉम रिवर्स विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. पेरेनियल कैनल्स जो है यानी कि साल भर पानी वाले जो कैनल्स हैं वो नदियों से निकलते उन नदियों से निकलते हैं जिनमें कि साल भर पानी मौजूद है. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैनल्स का नाम आपको बताया गया है, भाखड़ा कैनल, सरहिंद कैनल, वेस्टर्न यमुना कैनल, ईस्टर्न यमुना कैनल, अपर एंड लोअर गंगा कैनल, आगरा कैनल, शादरा, ये सारे डिफरेंट कैनल्स के नाम है. इंडिया हैज टेकन अप अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर इरीगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स. ओके, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये बड़े बड़े जो है डैम बना के ये प्रोजेक्ट बनाए तैयार किए जाते हैं. इससे जो है पानी का मल्टीपल यूज होता है. इसके जरिए पानी को रोक के उसका जो है पीने के पानी के रूप में सप्लाई हो जाता है, इरिगेशन में यूज हो जाता है, बिजली भी बन जाती है. इसीलिए इन्हें जो है मल्टीपर्पज डैम कहते हैं. टूरिज्म का भी काम हो जाता है. ओके, दीज प्रोजेक्ट्स हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स टू. ये जो प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये जो है बाढ़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं. तो कुछ जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, उसमें हो गया आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट बिहार में और वेस्ट बंगाल में, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट और बिया प्रोजेक्ट पंजाब में है, ये कोसी प्रोजेक्ट बिहार में है, रिहंद वैली प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में है, चंबल वैली प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट ये कर्नाटका में है और आंध्र प्रदेश में, और नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है. Now you guys can do one thing. You can actually, you know, like take up a map of India, the political map of India, and you can try locating all these major multi-purpose projects across India. Okay, this can be a group activity for the entire class. आप लोग जो है एक बड़ा सा जो है इंडिया का मैप जो है वो तैयार करके और फिर उसमें जो है इन डिफरेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के लोकेशन को जो है डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. So well, that brings us to the end of this chapter. तो हम लोगों ने देखा कि लैंड जो है बेसिक रिसोर्स है जिस पर कि हम लोग रहते हैं. लैंड का यूज जो है वो कई फैक्टर्स जैसे कि वहां के रिलीफ फीचर्स, टाइप ऑफ सॉइल, वहां का क्लाइमेट कंडीशन, वाटर अवेलेबिलिटी, इन सब पर डिपेंड करता है. सॉइल जो है वो अर्थ के क्रस्ट का बिल्कुल टॉप लेयर जो है वो फॉर्म करता है. एल्यूवियल सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है. ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल्स, ये सभी इंडिया में मिलते हैं. वाटर जो है वो लाइफ के लिए एसेंशियल है. ओशंस जो है वो और दुनिया के कह सकते हैं वर्ल्ड के टोटल वाटर रिसोर्स का 97% पानी जो है वो ओशन में मौजूद है. और इंडिया में जो वाटर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है. तो वेल, आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर बाय नाउ, एंड इफ यू हैव ट्रबल यू कैन ऑलवेज गेट बैक और रीड द चैप्टर अगेन और वॉच दिस वीडियोस अगेन. ओके, थैंक यू.